512 को जो फैक्ट्री का जो एग्रीमेंट किए हैं तेजस्वी यादव जी, वो फैक्ट्री 2 साल में बनेगा। जो बिहार से लोग दूसरे प्रदेश में जाते हैं कमाने के लिए, उनको अब बिहार में रह करके रोजगार मिल जाएगा। लालू यादव जी कॉल करके पूछना चाह रहे थे कि रे नीतीश तू फिर जा रहा है रे बौरा, फिर आएगा नहीं ना, ये पूछना चाह रहे थे कि क्लियर अब रिहा है ना तू, ठंडा दिमाग से सोच लो ना, है तो जाके कश्मीर में जाके ठंडा दिमाग में बर्फ में मुड़ी गाड़ दो और तब सोचो कि जाएगा तो ना आवेगा, फिर नाक ना रगड़ेगा नीतीश पलटू। नमस्कार, आप देख रहे हैं रबसी लाइव और मैं हूं आपकी निधि सिंह, और अभी हमारे साथ मौजूद है संतोष रेणु। तो क्या लगता है बिहार में जो सियासत हलचल चल रहा है, इसमें क्या रिजल्ट निकल कर सामने आएगा? सरकार वही रहेगा, चेहरा चेंज होगा मुख्यमंत्री वाला। हाँ, सरकार महागठबंधन का ही रहेगा, मुख्यमंत्री का चेहरा चेंज होगा। ये बड़ी अल्टू पलटू वाला आदमी है। कौन, किसके बात कर रहे हैं आप? वही चाचा। तो क्या लगता है कि मुख्यमंत्री चेंज हो जाएंगे? हाँ, मुख्यमंत्री का चेहरा चेंज होगा। कौन बनेंगे आपकी नजर में, क्या लग रहा है? देखिए, हम लोग भाई कुर्सी के लिए तो लड़ते नहीं है, हम लोग भाई कोई भी बनेंगे, ये जब सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाएगा महागठबंधन के नेताओं के बीच में तो क्लियर हो जाएगा कि हाँ कौन बनेंगे। लेकिन ये इतना तय है कि इस बार जो बनेंगे वो अल्टू पलटू टाइप मने आदमी नहीं रहे। बार बार अल्टू पलटू क्या बोल रहे हैं? तो कौची कहे, दुशासन कहे, कौची कहे, विनाश पुरुष कहे, का कहे, आप कहिए। आपने, आपको नहीं लगता है कि बिहार के लिए वो बहुत अच्छा काम किए? हाँ, जूता हर एक 6 महीना पर पलट जाना कितना बढ़िया काम है, कितना बढ़िया काम है, एकरा से बढ़िया काम का हो सकता है? सबके खुश, सबके खुश, बार बार क्या बात है नीतीश कुमार। बिहार की जनता लोग नहीं देख रहा है, बिहार की जनता लोग नहीं कहते हैं? तो सब तो बिहार की जनता नहीं देख रहे हैं, बताइए ठीक काम है जी? नहीं नहीं जी, कोई ठीक काम नहीं। बताइए क्या सीखेगा कि कल उलट के पलट जाना है, पलट जाना है, बताइए। ये आल्टू पलटू ठीक चीज नहीं है भाई, जने रही है चट्टान की तरह लगल रही है, एकदम चट्टान, हिमालय पर्वत पहाड़ के जैसा। अब क्या होगा, अब तो फिर से वो पलट रहे हैं तेजस्वी यादव जी है, इनका फिर अब आने वाले दिनों में क्या होगा? आने वाले दिनों में सरकार बना रहे हैं, अब कुछ होगा? ऐसे ही बिहार को आगे बढ़ाते रहेंगे, नौकरी देते रहेंगे, वैकेंसी लाते रहेंगे। 512 को जो फैक्ट्री का जो एग्रीमेंट किए हैं तेजस्वी यादव जी, वो फैक्ट्री 2 साल में बनेगा। जो बिहार से लोग दूसरे प्रदेश में जाते हैं कमाने के लिए, उनको अब बिहार में रह करके रोजगार मिल जाएगा, अब कुछ होगा? अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक लोगों को क्यों नहीं रोजगार मिल रहा था ना किसे? हाँ देखिए, पत्रकार हो तो आप जैसा, आप देखिए, ऐसे अगर पत्रकार हो देश आगे बढ़ जाएगा, गोदी मीडिया की तरह आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। क्यों? अब तक एकदम सही बात है, 17 साल तक क्यों नहीं मिला था रोजगार? आपका सवाल सही है, जब से तेजस्वी जी आए तब से रोजगार मिल रहा है, ये बात को आप भी मान रहे हैं ना? जी बिल्कुल, मतलब ये सच्चाई बात है कि तेजस्वी जी काम करने वाले आदमी हैं, इस बात को आप भी मानते हैं? तो फिर सरकार ऐसे नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन अब जो अभी हो रहा है काम कि सरकार एकदम से फिर से पलट गया है, आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव जैसे लोग नहीं मिलेंगे। सरकार नहीं पलट गया, नीतीश कुमार पलट गए। नीतीश कुमार पलटे हैं तो यहाँ पे सब कुछ, सत्ता भी तो पलट गया। सत्ता कहाँ पलटा, सत्ता कहाँ पलटा? आज भी महागठबंधन में हम लोग हैं, कल भी थे। नीतीश कुमार जी के बोलिए ना, पहले 17 को विधायकवा कंट्रोल करेला, 17 को जदयू में से एने आ रहे हैं, अब बीजेपी में से 12 को एने आ रहे हैं, 29 को ऐसे ही क्लियर है, ये सब अभी किसी को कहिएगा नहीं, अभी किसी को नहीं कहिएगा। अच्छा, अभी जो अंदर मीटिंग हुई है, मीटिंग में आखिर क्या निर्णय लिया गया है? मीटिंग में यही निर्णय लिया गया है, तेजस्वी जी यही निर्णय लिए हैं कि देखिए बिहार को अब कैसे चलाना है, तो सब लोग बोले कि जैसे आप चला रहे थे उसी चलाइए, बिहार को रोजगार दीजिए, जे अब क्या कीजिएगा, ये मानसिक रूप से विक्षिप्त आदमी अब उन्हें जा रहा है तो जाए दीजिए, कितना इलाज कीजिएगा। जैसे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी भी बोले कि ये गिरल आदमी के बड़े उठावे का प्रयास किए, लेकिन ये गिरल आदमी सही में मानसिकता से गिरा हुआ है तो इसको गिरले ही रहने दो। हाँ, पिछला बार आए थे और लालू जी के गोड़ भी नाक रगड़े लगे, तो लालू जी के गोड़वा पर नाक रगड़ने लगे तो लालू जी गोड़वा पीछे कर लिए, तो नकिया सट गया भूमा में, रगड़े में छिला गया था। आप देखिएगा, गौर कीजिएगा, जूम कीजिएगा कैमरा से, आप DSLR कैमरा से नीतीश कुमार को शूट कीजिएगा तो नाक छिला रहेगा, बता रहे आपको, वो लालू जी के पास जो नाक रगड़े थे उसी से छिलाया था,
तो अब जो है अब लालू जी भी बोल दिए कि एक नक छीला के अब ना रखेंगे, क्लियर बोल दिए। आप इतना भरे गुस्साए हुए उन पे क्यों हैं? हम कल गुस्सा रहेंगे, हम दूध दही खाते हैं, हमारा भी ताकत है, हम सबसे बड़का माने सबसे ज्यादा विधायक रखने वाले पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम कल गुस्सा रहेंगे है? हम कल गुस्सा रहेंगे, हम भाई स्थिर रहते हैं, हम बब्बर शेर के भक्त हैं, वो बब्बर शेर जो जंगल में स्थिर रहते हैं, सियार बिलार आता है जाता है इन्होंने। जब बहुत लोग को ये भी माना है कि बिहार में जो पहले जंगल राज था कहीं वो अब फिर से ना आ जाए, तो ये पूछिए ना जो 17 साल में जो जंगल राज था बिहार में, आदरणीय तेजस्वी जी जब आए तो यहाँ पे नौकरी राज बना दिए है ना, रोजगार राज बना दिए। आपने देखे गांधी मैदान में रोजगार मिल रहा था ना, ऐसा कहियो मिला था? आप जहिया से जन्म लिए हैं उस दिन से उसे नहीं देखे होंगे आप, हैं ऐतिहासिक पूरे दुनिया में। तैयो तो एसपी जी बोले कि जाए दो, बुढ़ारी में फोटो खिंचावे का शौक है, मुंह नाक तो निमन है ये ना, लेकिन जाए दो, जाए दो। राम जानकी हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ किस विभाग के तहत? स्वास्थ्य विभाग। मंत्री कौन? तेजस्वी यादव। उद्घाटन किन से करवाए? नीतीश कुमार से। जाए दो रे मर्दे, ये मर्दे पगलू ये आएगा आप फिर अड़बड़ा के भरना ब्रेन हेमरेज कर जाएगा, जाए दो। बोले कि करे दो। तो तेजस्वी यादव तो इतना बिहार की आम आवाम के सम्मान में इतना तक तेजस्वी जी त्याग किए है, ये आदमी दिन रात तेजस्वी जी को परेशान किए, दिन रात नीतीश कुमार जी महागठबंधन के नेताओं को परेशान किए, खान वो अन्य भाग जाएंगे, खान अन्य भाग जाएंगे, ये कौन नियम है? हो मर्दे काम करा, काम करो, जाना जाओ, कौन पूछ रहा तोरा? जब जाना है इस्तीफे देना है तो 3-4 दिन से काहे ला अलबल कर ले है, 3-4 दिन में 3-4 लाख के वैकेंसी निकाल देते तेजस्वी जी, जाइए जाना है तो। हम लोग कभी किसी को भगाते नहीं है, ठीक है, जो आते हैं उनको रोकते भी नहीं, हम लोग का दिल बड़ा है, और जो बढ़िया से प्रेम दुलार करला के बादो भागता है ओकरो हम लोग नहीं रुकते हैं। विचारते हैं कि बिहार की आबादी का हम लोग सम्मान करते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि लालू यादव नीतीश कुमार को कल कॉल करके कुछ बात करने की कोशिश की है, तो उनके बाद नीतीश कुमार का क्या रिस्पांस आया? लालू यादव जी कॉल करके पूछना चाह रहे थे कि रे नीतीश तू फिर जा रहा है रे बउरा, फिर आएगा नहीं ना, ये पूछना चाह रहे थे कि क्लियर अबरी है ना तू, ठंडा दिमाग से सोच लो ना, है तो जाके कश्मीर में जाके ठंडा दिमाग में बर्फ में मुड़ी गाड़ दो आ तब सोचो कि जाएगा तो ना आवेगा, फिर नाक ना रगड़ेगा नीतीश पलटू हो। हाँ हिम्मत है बात करे के, बब्बर सर से बात करे जा वाला ने करता है, ये आदमी के फेफड़ा ऐसे ही से कर रहा है, ऐसे ही से कोई उपाय है? कोई उपाय नहीं, सड़ल से हो गए, जाना जाएंगे सबके सड़ा देंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, तो ऐसी तमाम और अच्छी खबरें के साथ बने रहे हमारे चैनल के साथ, धन्यवाद।